हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। तो हमने इससे पहले, अभी हम वर्जन कंट्रोल सिस्टम पढ़ रहे हैं, इसमें हमने सबसे पहले तो देख लिया था कि VCS क्या होता है, क्यों होता है, कितने टाइप का होता है। उसके बाद हमने देखा कि कितने कितने टाइप के हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, और हम यूज़ कर रहे हैं गिट। ठीक है, अब हम गिट क्या है, एक VCS है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड VCS है, ये यूज़ कर रहे हैं आप। अगर ये आप पहली वीडियो देख रहे हो तो पहले जाके सारी पीछे की वीडियोस देख लो, ये फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स का एक हिस्सा है। तो इसके बाद हमने ग्लोबल लेवल, सिस्टम लेवल और गिट रिपोजिटरी सेटअप करने का तरीका देखा। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि जो भी हम अपडेट करते हैं उसमें वो सारे चेंजेस होते हैं क्या, मतलब हम देख सकते हैं फिलहाल। आई शो यू बाई प्रोग्राम। ओके, अपना टर्मिनल खोल लो और यहाँ पे, मतलब जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी VCS की, प्लीज़ जाके यार पिछली वीडियो देख लेना, फिर आप इसको कनेक्ट कर पाओगे। अभी हम देख लेते कि हम कहाँ पे हैं। अभी मैं रहूँगा अपने यूज़र के अंदर, यूज़र डायरेक्टरी के अंदर हूँ मैं। तो अब यहाँ पे मुझे जाना है एक प्रोजेक्ट्स वाले डायरेक्टरी के अंदर, CD प्रोजेक्ट्स। इसके अंदर मुझे जाना है विजुअल पाथ के अंदर, CD विजुअल पाथ, और इसके अंदर मुझे जाना है एक VCS करके फोल्डर है, मैं दिखा देता हूँ, VCS करके फोल्डर है इसके अंदर, और इसके अंदर मुझे जाना है git dir, नहीं UDIR, चलो हमारा वाला जो था YouTube के लिए वो था YouTube का DIR डायरेक्टरी। ठीक है, तो इस डायरेक्टरी के अंदर जाते हैं। ये डायरेक्टरी मेरी क्या है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, अगर मैं यहाँ पे देखने की कोशिश करूँ कि git status क्या है मेरा, ये कमांड हम यूज़ करते हैं स्टेटस चेक करने के लिए, जो भी हमारी git डायरेक्टरी है उसका स्टेटस। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ, क्योंकि ये git रिपोजिटरी नहीं है, डायरेक्टरी नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये एरर दे देता है। और यहाँ पे अगर हम ls-la करेंगे, ls-la, ये सारी चीज़ें मैंने पहले बता रखी है। यहाँ पे आपको जो भी git डायरेक्टरी रहती है उसमें एक डॉट git नाम का एक डायरेक्टरी क्रिएट होता है, होता ही है, मतलब जब भी आप कोई क्रिएट करेंगे git डायरेक्टरी, तो यहाँ पे लोकली आप में, आपके सिस्टम में डॉट git नाम का एक फोल्डर, एक डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगा। तो अब हम एक काम करते हैं, हम अंदर जाएंगे UDIR के अंदर, और अगर मैं यहाँ पे फिर से चेक करूँगा, पहले मैं क्लियर कर लेता हूँ इसको, अगर मैं यहाँ पे चेक करूँगा वापस से कि git status, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, हमारे पास git का status आ रखा है। अगर मैं log चेक करना चाहूँ कि मैंने अभी तक क्या क्या push किया है, मतलब क्या क्या commit किया है मैंने local repository में, तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि मैंने ये और ये किया, हमने ये लास्ट वीडियोस में किया था। पर अब हम एक काम करते हैं, हम देखते हैं कि पहले तो हम और थोड़े बहुत फाइल्स ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो एक तरीका क्या है, एक काम करते हैं कि हम टच करते हैं फाइल, वन डॉट डॉट फाइव डॉट टी एक्स टी नाम के एक्सटेंशन के साथ। तो हम अगर अब चेक करेंगे तो हमारे कितने फाइल वन, फाइल टू, फाइल थ्री, ये एक तरीका है जिससे हम एक ही साथ मल्टीपल फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मैं वन से फाइव तक बनाना चाहता था, इसलिए फाइल वन, फाइल टू, फाइल थ्री, इस तरह से पांच मेरे फाइल्स क्रिएट हो गए, ठीक है, डॉट टी एक्स टी एक्सटेंशन के साथ। अब जो हमारी जो चीज़ है जो हमको देखना है, अगर मैं अभी git status देखता हूँ तो हमको क्या दिखेगा कि हमारे ये सारे जो है अनट्रैक्ड है। मैंने पिछली वीडियो में बताया अनट्रैक्ड भी क्या होता है, जो अभी तक आपने एक भी बार कमिट ना की हो, ये सारी फाइल्स हमारी अनट्रैक्ड है। अब मान लेते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, शिट और इंडेक्स डॉट जे एस को हम लोग स्टेजिंग एरिया में ऐड करते हैं। पिछली वीडियो देखो, स्टेजिंग एरिया पता चल जाएगा, अच्छे से बताया मैंने। उसके लिए हमारा कमांड रहता क्या, गिट ऐड, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंडेक्स डॉट जे एस कॉमा नहीं, स्पेस देना है दूसरी फाइल ऐड करने के लिए, शिट डॉट टेक्स्ट। ठीक है, अगर अब मैं देखूंगा git status, पहले आपने देखा git status अनट्रैक्ड फाइल्स दिखा रहा था,
सिर्फ इतना ही दिखा रहा था। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है स्टेजिंग एरिया में आपके दो फाइल्स आ चुके हैं। अगर मैं अब इनको चेंज करता हूँ, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसमें कुछ चेंज ये कर देता हूँ। पहले तो मैं इसको कमिट कर लेता हूँ, पहले देखते हैं कि इसके अंदर कुछ है कि नहीं। कैट इंडेक्स डॉट जे एस, इसके अंदर कुछ नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, हम इसके अंदर कुछ लिख देते हैं। एको, एको कमांड रहता है, आपको कुछ अगर एको करना है स्क्रीन पे ही तो एको कमांड यूज़ करते हैं हम। तो एको दिस इज द फर्स्ट लाइन इन इंडेक्स फाइल। इसके बाद जो एक चीज़ रहती है वो रहता है, अगर आप ये ऑपरेटर यूज़ करते हो, ये क्या रहता है, आउटपुट ऑपरेटर। अगर आप ध्यान से नहीं देख सकते तो ये वाला ऑपरेटर, तो जो ये वाला ऑपरेटर है, ये वाला, ये रहता है आउटपुट। जो भी ये चीज़ है हमारा, ये क्या कर देगा, इसमें राइट कर देगा, अपेंड कर देगा इसको, जो भी हम फाइल नेम आगे देंगे इसके। तो मैं यहाँ पे क्या देना चाहता हूँ, इंडेक्स डॉट जे एस। और अगर अभी हम फिर से पहले क्लियर कर लेते हैं इसको, अगर मैं आप करके देखेंगे, अगर हम कैट करके देखते हैं, चलो ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, कैट इंडेक्स डॉट जी एस, तो हम देख सकते हैं कि उसके अंदर ये चीज़ लिखी हुई है। अब हम क्या करते हैं, हम कमिट कर देते हैं। अब क्या करेंगे, हम गिट कमिट, और कमिट करते टाइम हमें एक मैसेज लिखना पड़ता है जो हम कमिट कर रहे हैं उसमें, जो भी हम डाल रहे हैं वर्जन, कोई भी अपना मैसेज लिख सकते हैं आप, डिटेल जो आप वर्जन बना रहे हैं उसका। एडिंग टू फाइल्स इंडेक्स एंड शिट, ठीक है, अब एंटर दबा दो, आपका ये चीज़ जा चुका है। अब आपको देखना है कैसे कहाँ पे हुआ है कि नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं, गिट, और गिट के बाद लॉग, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडिंग टू फाइल्स इंडेक्स एंड शिट, ये चीज़ यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब हम एक काम करेंगे, ठीक है ना, अब हम देखते हैं कि मान लो इसमें कुछ चेंजेस करता हूँ मैं, तो ये आपको बताता है कि अब अगर आप इसमें कुछ चेंजेस कर देते हो इन दोनों फाइल्स में, इंडेक्स डॉट जे एस और शिट डॉट टेक्स्ट में, तो अब मान लेते हैं कि पहले कैट करके देखते हैं कि शिट डॉट टी एक्स टी में क्या है, ठीक है, होता क्या है, ये जो भी चेंजेस हो रहे हैं ये बता देगा आपको कि ये चेंज हुआ है, इस मॉडिफाई किया गया है फाइल, ये फाइल डिलीट की गई है, या इसमें कुछ जो चेंजेस किए थे वो सारे रिमूव कर दिए गए हैं, इस तरह से सारा कुछ बताता है आपको। अनमॉडिफाई कर रहे हैं तो वो भी आपको बता देता है वो, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसके अंदर कैट डॉट शीट टी कैट किया हमने, शीट डॉट टी एक्स टी में इसके अंदर कुछ नहीं है, तो हम क्या करते हैं, कुछ ऐड करते हैं इसमें। हम क्या कर रहे हैं, एको दिस इज ए शिट फाइल, और इसके बाद हम कर देते हैं इसको आउटपुट किसके अंदर, शिट डॉट टी एक्स टी के अंदर। अगर अब हम कैट करके देखेंगे शिट डॉट टी एक्स टी को, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस इज अ शिट फाइल। अभी इसको क्लियर करते हैं पहले, इसके बाद देखते हैं कि स्टेटस अगर अब हम चेक करेंगे तो क्या बताता है। गिट स्टेटस अगर मैं करता हूँ तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हमारी क्या है, दो फाइल्स मॉडिफाइड है, इंडेक्स डॉट जे एस और शिट डॉट टी एक्स टी। इसको फिर हम वापस से क्या कर सकते हैं, हम इसको कमिट कर सकते हैं फिर से। तो ये मैं तरीका बता रहा था। अब मान लेते हैं कि मैं क्या करता हूँ, शिट डॉट टी एक्स टी को डिलीट कर देता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, आर एम शिट डॉट टी एक्स टी, ठीक। अब मैं क्लियर करता हूँ और एक और बार गिट स्टेटस चेक करते हैं, तो ये यहाँ पे क्या बताना चाहिए, दिस फाइल डिलीटेड, ये देखो यहाँ पे क्या आ गया, डिलीटेड। फिर से मैं क्या करता हूँ, अभी गिट कमिट करता हूँ, हाइफन एम मेड सम न्यू चेंजेस, तो इसमें कोई भी चेंजेस ऐड नहीं हुए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा कोई भी फाइल जो था वो स्टेजिंग एरिया में नहीं था फिलहाल, ठीक है, तो हमको
जो भी फाइल हमको डालना है हमको स्टेजिंग एरिया में लेके जाना पड़ेगा पहले। तो हम क्या करेंगे, ये मैं आपको जानबूझ के दिखा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ गलती हो सकती है आपसे, आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप खुद ही एक्सप्लोर करेंगे इसे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपको। बस देखो, मेरा काम है घोड़े को घास तक लेके जाना। अब घोड़े के मुंह में घास निकाल के तोड़ तोड़ के डालना मेरा काम नहीं, आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसकी। तो हम क्या करते हैं, गेट एड शिट डॉट टी एक्स टी, और कौन सा है हमारा, इंडेक्स डॉट जे एस। अब हम करते हैं गिट कमिट हाइफन एम, चेंजेस मेड इन फाइल, डन। अब देखते हैं गिट स्टेटस, तो ऊपर का तो हमने जो कमिट कर दिया उसका नया वर्जन क्रिएट हो गया होगा, तो अभी हम जाके लॉग चेक कर लेते हैं अपना। पहले क्या कर लेता हूँ, मैं क्लियर करता हूँ स्क्रीन, गिट लॉग, ठीक। तो अब हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, चेंजेस मेड इन फाइल हो गया फिर हमारा, ये चीज़ भी देख ली हमने। अब एक और चीज़ करते हैं, अब आपके लिए मैं एक्टिविटी दे रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमको पता नहीं लगता, जब हम खुद से कर रहे होते हैं तो पता नहीं लगता कि क्या क्या कर सकते हैं। तो आप एक काम करो, 10 फाइल्स बनाओ, क्रिएट करो टच कमांड यूज़ करके, और उसके बाद उस फाइल को उनमें से 5 को डाल दो, कमिट कर दो उसको। पहले ऐड करो स्टेजिंग एरिया में, फिर उसको कमिट कर दो। जैसे कि अब मेरे पास क्या है, ls, पहले क्लियर कर लेते हैं। अब मैं अगर देखूंगा मेरे पास क्या क्या है, ये 10 फाइल है मेरे पास, आपको भी ऐसे 10 फाइल बनानी है, नाम कुछ भी दे दो आप। अब मैं गिट स्टेटस चेक करता हूँ, 10 में से 5 आपको क्या करनी है, डाल देनी है, कमिट कर देनी है। अब मैं क्या करता हूँ, डॉग ओनर को भी कमिट कर देता हूँ। पहले देखते हैं कि डॉग ओनर में कुछ है कि नहीं, डेटा लिख देते हैं पहले कुछ, डॉग ओनर, अरे हम क्या कर रहे हैं, कैट डॉग ओनर नाम बताते ही नहीं हो यार, आप कुछ बोलते ही नहीं हो, बोला करो कुछ तो, कमेंट में लिखो जो बोलना है। डॉग ओनर डॉट py ना, ठीक। इसके अंदर कुछ नहीं है तो हम क्या कर लेते हैं, कुछ लिख देते हैं इसके अंदर। हम क्या करते हैं, एको दिस इज दी डॉग ओनर फाइल। अब इसको क्या करना है, हमको किसके अंदर अपेंड कर देना है, डॉग ओनर डॉट पी वाई फाइल के अंदर, डॉग ओनर डॉट पी वाई। अब मैं गिट स्टेटस चेक करूँ फिर से, हाँ, तो अभी हमने इसको स्टेज नहीं किया, हमने चेंजेस लिख के इसके अंदर, पहले क्लियर करते हैं फिलहाल इसको। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इसको ऐड कर देना चाहता हूँ, गिट ऐड, क्या था वो नाम, क्या था उसका, डॉग ओनर डॉट पी वाई, डॉग ओनर डॉट पी वाई। अब इसको क्या कर देते हैं, गिट स्टेटस चेक करेंगे, तो एक जो फाइल है न्यू फाइल आ गई हमारी, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐड कमिट करना पड़ेगा अभी। तो हम क्या करेंगे, गिट कमिट हाइफन एम, हाइफन एम मतलब मैसेज, और आगे लिख देंगे डॉग फाइल इज एडेड। अब गिट लॉग देख लो एक बार, डॉग फाइल इज एडेड, हम देख सकते हैं क्या क्या चेंजेस हुए हैं हमारे इसमें, ठीक। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था, इसमें आप अगर कुछ चेंजेस वगैरह करना चाहते हैं वो सब बाद में देख लेंगे। तो इस वीडियो के लिए गाइज इतना ही, मैं आपको पिछली वीडियो में एक चीज़ दिखाना भूल गया था कि आप कैसे देख सकते हैं कुछ चेंजेस होने के बाद कि उसमें चेंजेस हुए हैं, कि उसके वो फाइल डिलीट हुई, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाती है जब एक बार आप कमिट कर देते हैं, रिपोजिटरी में ऐड कर देते हैं, तो वो ट्रैक करना शुरू कर देता है उन फाइल्स को। ओके गाइस, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो में आगे की नई चीज़ें सीखेंगे। थैंक यू गाइस सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।